मैं आपको सिखाऊंगी आम का पन्ना, और इसकी रेसिपी जो है वो मुझसे राहत शौकत ने इसकी फरमाइश करी थी, तो ये मैं उनके लिए बना रही हूँ और बेहद फ़ायदेमंद है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में बच्चे जूसेस वगैरह पीते हैं, इससे अच्छा आप आम का पन्ना बनाएं तो उनको गर्मी दाने भी नहीं होंगे और जो पसीना ज़्यादा आता है वो भी ख़त्म होगा। और ये कैरी तो होती ही इसीलिए है, इस सीज़न में आती है। तो आप सबसे पहले जो है एक कैरी जो है वो आप कट कर लें, चीनी आधा कप, नमक मैंने इसमें थोड़ा सा लिया है हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून इसमें काला नमक जाएगा। फ्रेश मिंट के लीव्स जो होते हैं पुदीना, और ये जो है जीरा जो है मैंने हल्का सा भून कर पीस लिया है आधा चम्मच। कैरी है मैंने एक लेकर उसको कट करके जो है वो मैंने एक ही ग्लास में ऐड किया है पकाने के लिए, और उसके अंदर मैं चीनी डाल दूंगी, चीनी आपके हिसाब से ज़रूरत है, और नमक। इसको डाल के मैं 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, बस उबाल आ जाए, ये कैरी जो है वो पक जाए, उसके बाद मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूंगी, और उसके अंदर फिर मैं जब ब्लेंड करते वक्त फ्रेश लेमनेट वो फ्रेश पुदीना और ज़ीरा डालेगा। अब जो है ये तैयार हो गया है, इसका चूल्हा मैं बंद कर दूंगी, और अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा जीरा, जीरा आप भून के डालेगा, अब इसमें थोड़ा ठंडा यक पानी, अब आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और ये बेहतरीन है अगर प्रेगनेंसी में भी, बहुत सारी औरतों को जो आजकल गर्मी की वजह से ड्रिप वगैरह लग रही है, उससे अच्छा आप ये वाला जो है वो अपने इस्तेमाल में रखें, तो इंशाल्लाह आपको इस तरह की शिकायत नहीं।